हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो जो भी मेरे एमकॉम के फ्रेंड्स हैं, मेरे एमए के फ्रेंड्स हैं, जो मेरे FY BCOM, SY BCOM, TY BCOM के फ्रेंड्स हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक अच्छा अपडेट लेके आया है। तो क्या अपडेट है और वो आपके बहुत ज़रूरी की चीज़ है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मेरे को काफ़ी लोगों ने व्हाट्सअप और कमेंट करके भी पूछा था ATKT के डेट के रिलेटेड कि सर अभी ATKT का हम फॉर्म भर रहे हैं, उसका डेट जा चुका है क्योंकि 9 सितंबर लास्ट डेट था, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स आप लोगों के हमेशा हेल्प करने के लिए अवेलेबल होती है, उन्होंने आप लोगों का डेट एक्सटेंड कर दिया है। तो वीडियो चालू करने के पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर अपडेट मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड, हम वीडियो को चालू करते हैं और मैं एक एक करके आपको हर किसी के अपडेट दिखाऊंगा। तो चलिए हम मुंबई यूनिवर्सिटी के साइट पे चले जाते हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी साइट पे आके जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो ATKT का फॉर्म भरने वाले हैं उन लोगों के बारे में अपडेट दिखा देता हूँ कि फ्रेंड्स अपडेट क्या आया हुआ है। तो जैसे कि इधर हमें MCOM के फ्रेंड्स दिख रहे, देखिए इधर दिख रहा होगा, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ आपको अच्छे से दिखे। तो जैसे कि फ्रेंड इधर देखिए ये वाला डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन फॉर MCOM पार्ट 1 एंड 2, ये दोनों जो मेरे है मतलब MCOM पार्ट 1 के फ्रेंड्स एंड MCOM पार्ट 2 के फ्रेंड्स दोनों के लिए अपडेट आया है। तो इसे ओपन करके मैं फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो रिपीटर है, जो ओल्ड स्टूडेंट है। तो गाइस आपके सामने पेज आ चुका है, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो रिपीटर का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी फ्रेंड्स लोगों को MCOM पार्ट 1 और MCOM पार्ट 2 का 11 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक का डेट दिया हुआ है कि आप अभी भी KT का फॉर्म भर सकते हो। पर सब्जेक्ट का फीस रखा है 620, मतलब लेट फीस इंक्लूड करके बताया है। पहले वाले में आपको 520 था, इधर कंपलसरी क्योंकि आप लेट एडमिशन करवा रहे हो तो 620 एक सब्जेक्ट के लिए। अगर आपका दो सब्जेक्ट में KT है तो 935, अगर तीन सब्जेक्ट में KT है तो 1620, ठीक है। अगर आपको कन्वोकेशन चार्जेस भी देना पड़ेगा तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1870, ठीक है फ्रेंड्स। और ये अपडेट कब आया वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, जो MCOM के मेरे फ्रेंड्स है। देखिए गाइस, ये 11 सितंबर और आज ही 11 तारीख है जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बना के अभी रात तक मैं अपलोड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, मैंने MCOM वालों जो हमारे फ्रेंड्स थे उनके बारे में बता दिया। तो चलिए फ्रेंड्स आगे भी जो हमारे फ्रेंड है FY BCOM SY BCOM उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो FY BCOM फ्रेंड्स जो आपका फर्स्ट दिया हुआ है FY SY, ठीक है, FY BA SY BCOM SY BA and FY SY BCOM, ठीक है, ये दोनों के लिए इधर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक बार आप देख लेना, मैं तो मार्क भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। गाइस ये देखिए FY BA और FY BCOM, SY BA और SY BCOM, TY BCOM का भी फ्रेंड्स आया, मैं उनका भी डेट बता देता हूँ आप लोगों को। 11 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक का ही आपको मौका है, इसके बीच में आप लोगों को गाइस आपका ATKT का फॉर्म भरना होगा। और अगर आपको एक सब्जेक्ट में KT है तो आपको 375 देना होगा, दो सब्जेक्ट में तो 585, तीन सब्जेक्ट में तो 1110 रुपीज़ देना पड़ेगा। और ये भी नोटिस कब आया था वो भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं इसको नीचे ले लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये नोटिस भी आज ही के दिन आया, जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 सितंबर का ही है, मेजोरिटी आज ही के दिन अपडेट आया है। इसके लिए मेरे एक ही वीडियो में हर जो मेरे फ्रेंड MCOM पार्ट 1 2, FY BCOM, SY BCOM, TY BCOM, FY BA, SY BA, TY BA, MA का भी मैं अपडेट देने वाला हूँ एक ही वीडियो में। इसके लिए फ्रेंड्स अगर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी अपडेट चाहिए तो अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। चलिए तो अभी आपको इसके बारे में बता दिया, अब आपको मैं दिखा देता हूँ आगे वालों के लिए, जो मेरे आपका ये TY BCOM के लिए
ठीक है फ्रेंड्स, टी वाई बी कॉम का देखिए, टी वाई बी कॉम के लिए मैं टी वाई बी कॉम को ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एम कॉम बता दिया, फिर एफ वाई एस वाई बी और बी कॉम का बता दिया, अभी टी वाई बी कॉम के लिए बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग सब में डेट कुछ अलग अलग है, सबका डेट सेम नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। चालू तो सबका सेम डेट पे हो रहा है, 11 सितंबर से चालू हो रहा है, लेकिन ये टी वाई का बी कॉम का कब तक लास्ट डेट है, 16 सितंबर लास्ट डेट है। और एफ वाई एस वाई वालों का कितना लास्ट डेट था, 18 तारीख लास्ट डेट था, ठीक है 18 तारीख लास्ट डेट था। सबका डेट अलग है, और इनका भी फर्स्ट सब्जेक्ट का फीस है 375, दो सब्जेक्ट का केटी लगा तो 585, तीन सब्जेक्ट में केटी लगा तो 1110, टोटल हो जाएगा 1360 रुपीज़। और ये भी फ्रेंड्स कब आया था वो भी अपडेट देख लेते, ये भी आज ही के दिन का है, आई होप मैंने देखा नहीं, मैं भी नीचे देख लेता हूँ। हाँ देखिए ये आज ही के दिन का अपडेट है, 11 सितंबर, ठीक है गाइस। आई होप कि टीवाई बीकॉम के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर जिन लोगों ने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है, फ्रेंड्स मुंबई यूनिवर्सिटी ने आप लोगों को फिर से एक बार मौका दिया है, जिन लोगों ने नहीं भर पाए, गांव में थे, कुछ काम में बिजी होंगे, मौका नहीं मिला, तो अब भर सकते हैं, ठीक है। टीवाई बीकॉम का दिखा दिया, अब टीवाई बीए, जैसा इधर एसवाई एफवाई का हो चुका था बीकॉम बीए का, इधर टीवाई का अलग से आया नोटिस, और टीवाई बीए का भी अलग से आया, तो उसको भी ओपन करके दिखा दो, क्योंकि डेट अलग होगा। देखिए फ्रेंड्स इधर भी आपका डेट अलग है टीवाई बीए का, ठीक है फ्रेंड्स, 11 सितंबर से ये भी चालू हो रहा है, और ये 16 सितंबर तक ही है, मतलब टीवाई बीकॉम और बीए का सेम डेट है। लेकिन फीस इधर देखिए, इधर लिखा हुआ है फीस 1110 रुपीज़, डायरेक्ट बोला उसने, कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करके मेंशन नहीं किया। तो फ्रेंड्स आप लोगों को डायरेक्ट यही फीस भरना होगा, और ये भी नोटिस कब आया है, 11 सितंबर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे का, आई थिंक एक और है अपडेट आया जो एमए के जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के लिए आया हुआ है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। ऊपर चले जाते हैं, देन इसको ओपन कर लेता हूँ, और हमारा ये हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, ये फोर्थ वाला बाकी है जो इधर लिख रहा हुआ है गाइस एमए, ठीक है। एमए के जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे पार्ट वन और पार्ट टू के फ्रेंड्स हैं, मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स आपके सामने आ गया है, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ जो हमारे एमए के फ्रेंड्स हैं, ये देखिए फ्रेंड्स एमए पार्ट वन पार्ट टू के, उनका 11 सितंबर से नहीं चालू हो रहा, उनका चालू हो रहा है एटी के टी का फॉर्म भरने का डेट 12 सितंबर, बाकी सबका 11 से चालू हो रहा था फ्रेंड्स। आप लोगों का 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक का आपको टाइम है, ठीक है, 18 तारीख तक का आपको टाइम है कि आप फिलअप कर सकते हो, ये डेट याद रखना, ठीक है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। और एक सब्जेक्ट में केटी है तो 620 लगेगा, दो सब्जेक्ट में केटी है तो 935 लगेगा, तीन सब्जेक्ट में केटी है तो 1620 रुपीस लगेंगे, और टोटल आपके भी हो जाते 1870 रुपीस, ठीक है। और इसका भी डेट कब था फ्रेंड्स, 11 सितंबर, ठीक है गाइस। और आगे देख लेते हैं और कुछ अपडेट आया है क्या गाइस, मैं एक ही वीडियो में सभी लोगों का अपडेट दे रहा बिकॉज कि आज ही के दिन ही जिस मैं वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, रात के समय ही शूट कर रहा हूँ, रात को ही मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो इसी दिन सब अपडेट आया हुआ है, तो मैं इसी के वजह से अब भी सब चीज कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। कुछ टेक्निकल एरर हुआ है फ्रेंड्स, एक मिनट, हाँ ओके ओके समझ गया। तो चलिए हम आगे जाके देखते हैं। सो फ्रेंड्स मैं फिर से आ गया होम पेज जो है हमारा, और इधर फिर से देख लेता हूँ। जैसे कि फ्रेंड मैंने फर्स्ट आपको बता दिया एफ वाई बी कॉम एस वाई बी कॉम एफ वाई बी ए एस वाई बी ए, बाद में टी वाई बी कॉम बता दिया, टी वाई बी ए का भी बता दिया, एम ए के भी जो मेरे एम कॉम पार्ट वन और सॉरी एम ए के भी पार्ट वन पार्ट टू के जो फ्रेंड्स हैं उनको, और एम कॉम का भी गाइस मैंने आप लोगों को अपडेट बता दिया, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। एम कॉम का लास्ट डेट है, चालू 11 सितंबर से हो रहा है, ख़त्म 18 सितंबर को ही हो रहा है। तो गाइस आई होप कि इतना ही अपडेट आया था, मैंने सब एक ही वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आई होप कि गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अपने मेजोरिटी फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चले और वो भी फॉर्म भर पाए, जिन लोगों ने अपने काम के वजह से या किसी और रीज़न की वजह से फॉर्म अब तक नहीं भरा, तो उनको अपडेट दीजिए, आप लोग भी हेल्प कीजिए कि अभी भी टाइम है, वो अपना केटी का फॉर्म अपलोड कर सकते, फीस पे करके केटी का एग्ज़ाम अभी भी दे सकते।
और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा केटी के रिलेटेड मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। और केटी का फॉर्म कैसे फिल करना है अगर गाइस आप लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरे आई बटन पे मिल जाएगा या वीडियो खत्म होने के बाद भी आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जब तक के लिए बाय बाय।